हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमारे पास जो है एक वीडियो भेजी है, उनकी सिलाई मशीन है ना बार बार सुई तोड़ रही है। सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए दोस्तों। दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी, उनकी सिलाई मशीन में क्या हो रहा है दोस्तों, उनकी सिलाई मशीन की जो सुई है ना वो काफी नीचे है, इसी वजह से उनकी सिलाई मशीन है ना बार बार सुई तोड़ रही है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों सिलाई मशीन में करके कि आपकी सिलाई मशीन कभी भी सुई नहीं तोड़ेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को काटना मत। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका जो शटल है ना, मैं आपको सबसे पहले इसका शटल खोल के दिखाता हूँ कि उनकी सुई इसमें टकरा क्यों रही है। इसके दोनों पेंच खोल लेंगे, इसको मशीन को ऐसे खड़ी करेंगे, दोनों पेंच खोल के, और उनकी जो सुई है ना दोस्तों, मैं वही बताता हूँ आपको टकरा क्यों रही है। जैसे शटल खोल लिया हमने, अब ये देखिए दोस्तों, जैसे कैरियल है ना, और ये देखिए सुई कितनी नीचे आ रही है, कितनी कम नीचे आ रही है, और उनकी सुई है ना काफ़ी नीचे आ रही है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया इनकी। जब आपकी सिलाई मशीन की सुई टूट जाती है ना दोस्तों, जैसे सिलाई मशीन की सुई है, ठीक है, आप क्या करते हो, या तो इसकी सुई को आप जो है ना ऊपर तक नहीं मिला के लगाते, जैसे सुई है ना, और ऊपर है ना, आपको एक पेंच दिखाई देगा, ये वाला, ये दिख रहा होगा, ये वाला, ये जब सुई टूट जाती है उसमें नई सुई लगाते हैं ना, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, ये जो सुई है ना इसको ऊपर तक ऐसे मिला के लगानी होती है, ये ऐसे दिख रही है ना ऊपर तक, ये ऐसे, और बोसे क्या करते हैं इसको यहीं पे लगा देते हैं ऐसे करके, और फिर क्या होता है हमारी जो सिलाई मशीन है, मैं इसको यहीं पर टाइट करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे कर दें। अब दोस्तों क्या होगा, ये जैसे है ना यहाँ पर, ये देखिए सुई कितनी नीचे जाएगी, और जब ये नीचे जाएगी ना काफ़ी ज़्यादा, तो सिलाई मशीन बार बार सुई तोड़ेगी ज़रूर। तो एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी सिलाई मशीन में इसकी जो सुई है ऊपर मिला के लगानी है, एक सेटिंग तो ये होगी, और दूसरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसको टाइट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों, ये तो यहाँ से हमने कर दी। अब इसके बावजूद भी हमारी जो सिलाई मशीन की सुई है वो काफ़ी नीचे जा रही है, उसको कैसे सेटिंग करनी है, अब हम क्या करेंगे, इसके जो शटल है ना, शटल के दोनों पेंच लगा लेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे और शटल को ऐसे ही लगा लेंगे जैसे हमने खोला था, ये दोनों पेंच टाइट कर लेंगे, और आपको जो है ना दोस्तों वो जो सेटिंग है मैं बताने वाला हूँ वो आपको गौर से देखना है, क्योंकि वो सेटिंग भी ज़रूरी है अपनी सिलाई मशीन में। ये हो गया और ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे सिलाई मशीन की सुई नीचे आएगी ना, ये आपको सिर्फ यहाँ पर चेक करना है, ये जो सुई है ना हल्की सी नोक दिखाई देगी आपको, ये दिख रहे हैं ना, ये वाली, ये हल्की सी उंगली में टच होनी चाहिए ऐसे, अगर इससे ज़्यादा नीचे आ रही है ना, जैसे सुई भी आपने ऊपर यहाँ पे मिला के लगा रखी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ये सुई आपने जो है ना ऊपर तक मिला के लगा रखी है, और आपकी सिलाई मशीन फिर भी सुई तोड़ रही है, तो आपको यहाँ पे नीचे चेक करना है, ये सुई ज़्यादा नीचे तो नहीं आ रही। अगर आपकी सिलाई मशीन की सुई ज़्यादा नीचे आ रही है ना दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पीछे एक पेंच होता है इसमें लिंक वाला लगा हुआ, ये सुराख में मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बता रखा है, जैसे नीचे से लगा, सपोज करो ये सुई है ना दोस्तों, ये इतनी नीचे आ रही है, ये देखिए कितनी नीचे आ रही है ना ये वाली, अगर ये सुई दोस्तों इतनी नीचे आ रही है ना, ये देखिए अगर ये इतनी नीचे आ रही है, तो आपकी सिलाई मशीन बार बार सुई ज़रूर तोड़ेगी, ये सेटिंग आपको चेक करना है। इसको क्या करना है दोस्तों, जैसे मैंने पीछे से पेंच खोला है ना, ऐसे ही पेंच खोल के इसको यहाँ पे बराबर रखना है, ये ऐसे उंगली लगा के, और इसको सीधा रख के ना, बिल्कुल सीधा रख के, और ये जो पेंच मैंने खोल के दिखाया था आपको अभी, यही पेंच यहाँ से टाइट करना है, और पेंच टाइट करने के बाद आपको है ना दोस्तों, तो आपको ये घुमा के देखना है ऐसे करके, ये ऐसे घूमना नहीं चाहिए, ठीक है, अगर ये घूम नहीं रहा तो आपका ये जो सुई का जो है ना बिल्कुल टाइट हो चुका है, और आपकी सुई है ना बार बार नीचे नहीं जाने की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों। अगर आपकी सिलाई मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो है वीडियो पर आकर सेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।